और यू टर्न की बात होगी, शहर में बसंत होगी या नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुकूमती ऐलान की तरदीद कर दी। यूसुफ नसीम खोखर कहते हैं बसंत मनाने का हतमी फैसला नहीं हुआ। इंसानी जान को दबाव पर नहीं लगा सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर ने लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगु की, जिसमें उनका यह कहना था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुकूमती ऐलान की तरदीद कर दी है। मेरे ख्याल है मैटर अब सब जुडिस हो गया है। वो जो एक असूली फैसला था अभी, और उस पर अभी कमेटी भी चीफ मिनिस्टर साहब ने बना दी थी, और उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि कोई उसका लीगल चैलेंज भी जो मुझे पता चला है माउंट किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम चीज़ें देखने के लिए ही फिर कमेटी बनाई गई थी, ताकि उसका कोई वर्केबल सोल्यूशन निकल सके, जिसके कानूनी और दूसरे जो इंसानी जानों के ज़िया के हवाले से पहलू हैं उनको देख के फाइनल फैसला किया जाना था। तो ये एक असूली फैसला था टू रिवाइव हिस्टोरिक एंड ओल्ड ट्रेडिशन। आप क्या समझते हैं कि एक हलाकत और 8 अरब एक तरफ? मेरा ख्याल है किसी भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो जब तक कोई उस हवाले से एश्योरेंस नहीं होती, तो उस वक्त तक हुकूमत भी एक फाइनल फैसला करने से पहले सोच के ही करती। ये एक फैसला था जो असूली तौर पे हुआ था, और उसकी अभी वर्कआउट डिटेल्स हो रही हैं, और मेरा ख्याल है अगर सब जुडिस हो गया तो फिर इट इज़ शहर में बसंत होगी या नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तो हुकूमती ऐलान की तरदीद कर दी है। यूसुफ नसीम खोखर कहते हैं बसंत मनाने का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। इंसानी जानों को दांव पर नहीं लगा सकते। मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे। हसन रजा बताइएगा, कहीं ना कहीं ये लगता है कि मामलात जिसके पास होते हैं वो खुद ही डिलीवर कर देता है। मुशावरत पहले नहीं की जाती, उसके बाद यू टर्न होता है, फिर जगह अनसाई होती है, ये मामलात आगे कैसे चलेंगे? देखिए, ये मामला था ही बहुत ही इंतहाई हसास, और इसी वजह से पहले जो है हुकूमती वुजरा ने खुद इसकी मुखालफत की कि ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सिर्फ इस वजह से खुलकर सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो हुकूमत में है, और कई सीनियर ब्यूरोक्रेट और जो खास तौर पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट में तैनात हैं उन्होंने भी इस फैसले की बहुत सख्त मुखालफत की। और आज जब चीफ सेक्रेटरी पंजाब जब उनसे गुफ्तगु की गई तो उनसे पूछा गया कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने भी ये वाजह कर दिया कि ये सिर्फ असूली फैसला है, हतमी फैसला नहीं किया गया और इसके पीछे अभी हमने बहुत सारा काम करना है। फिर उनसे ये पूछा गया कि अभी तक जो साबिका कमेटियाँ बनी थी, 3 कमेटियाँ बनी थी गुज़श्ता 8 सालों में, उन्होंने मुखालफत की थी कि बसंत जो है वो एक कत्लो गारत है, खून की होली खेली जा सकती है और खून बहुत ख़तरनाक जो है ये खेल है। तो उन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि यहाँ पर दाती केमिकल डोर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और महकमा दाखिला को भी बहुत सारी इतलात मौसूल हुई हैं। ये भी बात उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ, और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंसानी जानों की कीमत जो है वो बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती, और साबका कमेटियों ने जो बसंत की मुखालफत की है इन तमाम मामलों को देख रहे हैं। उन्होंने ये भी बात की कि अभी हुकूमत ने असूली फैसला किया है, हतमी फैसला नहीं किया, और हतमी फैसले के लिए जो है पहले कमेटी जो है तमाम मामले का जायजा लेगी, फिर उसके बाद कोई चीज सामने आएगी। और जब उनसे मजीद उनसे जब इस हवाले से बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी महकमा दाखिला पंजाब ने भी इस पर काम करना है, बाकी डिपार्टमेंट्स ने इस पर जो है कमेटी बैठेगी, मुशावरत की जाएगी, फिर कोई फैसला होगा। अभी ये कहना कोई बिल्कुल कबल अज़ वक्त है कि बसंत जो है होगी या ऐलान हो गया, जबकि हुकूमती जो वजीर इत्तला'आत थे उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया था, यानी इससे पहले हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है। बगैर सोचे समझे हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया, जिसकी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो कि जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट हैं, पूरे पंजाब को चलाते हैं, पूरे पंजाब के डेप्टी कमिश्नर समेत पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी इनके अंडर आती है, तमाम तर कानूनी और लीगल मामलात, तमाम तर अकाउंटेंसी, हर चीज के मामलात को जो है उस पे बूर रखते हैं। उन्होंने ये बात की है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ जो है ऐलानात किए जाते हैं, और ये भी उनकी बातों से लग रहा था कि शायद बसंत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो उन्होंने खुद ये वाजा कर दी कि ये जानें बहुत कीमती होती हैं, पैसे जो है इतने कीमती नहीं होते, और एक जान जो है इंसानी जान जो है इंतहाई कीमती है, यही वजह है कि इसकी वजह से अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। जी ठीक है, मोहम्मद हसन रजा आप इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।